फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज डेट है 28 सितंबर और टाइम हो रहा है 9:15 बज रहे हैं रात के। अभी मैंने अपना जो वीडियो वगैरह उससे रिलेटेड थोड़ा वर्क किया है, उसके बाद में मैंने सोचा आपकी सब्जी काट लेती हूँ क्योंकि 10 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। और फिर ना ऐसा होता है, मैं दूध पीती हूँ ना तो थोड़ा टाइम बीच में गैप हो जाता है, तो फिर दूध मतलब अच्छा रहता है। और बिना दूध पिए तो जैसे आप सबको पता ही है कि मुझे नींद नहीं आती है, तो इसलिए। और मैंने अपने वीडियोस के अंदर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैं लैपटॉप से ही जो है एडिटिंग कर रही हूँ, फ़ोन से एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन वो है ना कि बीच में कुछ मतलब ऐसे यूज़र्स आ गए थे या कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे आ गए थे मेरे, जो कि बोलने लगे थे कि आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उस वीडियो पर उन्होंने इतना ज़्यादा रिएक्शन किया कि मैंने आपको सिर्फ बताया था कि किस तरीके से मतलब आप अपने उसमें सुधार कर सकते हो, आपने तो पूरा वीडियो बना दिया। तो ओके, हो सकता है मेरी गलती हो गई हो मुझसे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और दूसरी ये बात है कि मैंने उसके अंदर चेंज करना स्टार्ट किया है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था तो फिर मैं व्लॉगिंग की तरह ही स्टार्ट करूँ, जितना हो सकेगा। कभी कम होगा, कभी छोटा व्लॉग होगा, हो सकता है कि 4 मिनट का भी व्लॉग हो जाए, कभी हो सकता है 16 मिनट का भी व्लॉग हो जाए, 20 मिनट का भी व्लॉग हो जाए। तो जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने अपना पिछला जो वीडियो है उसका अभी तक एंड नहीं किया था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो वाला वीडियो एक बन जाएगा। अभी जिसमें मैंने दोपहर को चावल बनाए हैं वो आज का ही वीडियो था, मतलब 28 तारीख का सुबह का वीडियो था। लेकिन अब मैं एक नया वीडियो स्टार्ट करना चाहती हूँ, एक नए उसके साथ में स्टार्ट करना चाहती हूँ, मतलब एक नई शुरुआत के साथ में स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो इसलिए आ गई हूँ मैं। और आज मैंने चंपी की थी, हम दोनों ने ही, मैंने और गगन ने, तो फिर मैंने बाल धोए थे और अभी तक मैंने कंघी नहीं की है बालों में। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तेल भी नहीं निकला है, देखना ऐसा लग रहा है कि तेल भी नहीं निकला है। लेकिन पता है यहाँ का पानी इतना बुरा है ना कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। गंगा वाटर आने में अभी 2 महीने और लग जाएंगे। तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे आज बनानी थी आलू बीन्स की सब्जी, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, उसका मैंने एंड नहीं किया। आप लोग बुरा मत मानिएगा कि मैंने पर्सनली आके एंड नहीं किया, ठीक है। तो मैं जल्दी से आलू बीन्स की सब्जी काट लेती हूँ। और पता है रोज़ ये सोचते हैं, रोज़ सोचते हैं कि आज मैं बाहर जाऊँगी सब्जी लेने, तो ऑनलाइन सब्जी मंगा रही हूँ, लेकिन वही है ना कि जो सब्जियाँ उस लिस्ट में आती हैं वही वही हैं, बाकी सब्जियाँ कुछ देखने को मिल ही नहीं रही हैं, कोई घूमना नहीं हो पा रहा है बाहर। मेरा तो बिल्कुल जाना ही नहीं हो पाता है बाहर, क्योंकि गगन चले जाते हैं ऑफिस पूरे दिन और वो कार से नहीं जाते हैं क्योंकि आगरा में ट्रैफिक बहुत है, तो वो स्कूटी लेके जाते हैं। और मेरे को भी कार चलानी नहीं आती है, मतलब बिल्कुल अभी, मतलब मैंने सीखी थी 1-2 दिन, फिर उसके बाद में सब छूट गई क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। तो फिर अभी दोबारा से मैं सीखना स्टार्ट करूँगी, और वो स्कूटी ले जाते हैं तो मेरा तो बिल्कुल बाहर जाना हो ही नहीं पाता है। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी कल देखते हैं शाम को अगर हम जा पाएंगे। और बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं ना, आप लोग भी प्लीज़ सेफ़ रहिएगा, ज़्यादा मच्छरों वाली जगह पे नहीं रहिएगा, घर में पानी इकट्ठा नहीं रहने दीजिएगा, कूलर वगैरह में या फिर आप किसी गमले वगैरह में पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिएगा, कहीं पर भी बाल्टी वगैरह में भी पानी इकट्ठा नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि मलेरिया और डेंगू बहुत ज़्यादा पीक पर है। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, और मलेरिया और डेंगू से बचे रहिएगा, क्योंकि डेंगू बहुत ही ज़्यादा पीक से फैल रहा है और बहुत ही ज़्यादा लोगों की इससे मौत भी हो रही है। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ एक मतलब आपको सावधान करना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मलेरिया और डेंगू। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का रूटीन। और अभी मैंने जस्ट हमने चाय वाय पी थी, और चाय वाय पीने के बाद में मैंने थोड़ा सा अपना वीडियो का काम किया। फिर मैंने सोचा कि अभी तो बीन्स काटने में कितना टाइम लगता है, जल्दी जल्दी 4-5 इकट्ठी लेऊंगी और काट दूंगी। और आटा मेरा लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। लेकिन अभी 9:15 हो गए हैं और 9:15 से 9:30 भी हो गए होंगे आप लोगों से बातें करते करते, तो चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में ही। Mm-hmm.
फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से जो है मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाती हूँ और ये मेरी सब्ज़ी जो तैयार है और मेरा जो खाना है वो भी प्रॉपर तैयार है। मैंने रोटी बनाई थी इसके साथ में क्योंकि रात को हम पराठे वगैरह प्रेफर नहीं करते खाना। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। टावर ये बिजली कंज्यूम कर लेता है और आईफिल टावर से रिलेटेड फैक्ट्स ये भी है कि जब आईफिल टावर बनाया जा रहा था तो कुछ इतने सारे डिजाइनर्स को रेडी किया गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। फाइनली इस डिजाइन को चूज किया गया तो सब जाके आईफिल टावर जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों क्या होगा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर हमला हो जाए? दोस्तों